सतगुरान ने पावन पवित्र अंग 893 अंग के प्रभावी वाण रामकली राग के पांचवें पातशाह शहीदों के सरदार धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने पावन पवित्र रसना के नाल हर मन चों सानू पंज की जीवा प्रकाशी बाने की समाधि बाणी के हुक्म हुक्मों की विचार का प्रमाण करके समझा करते हैं और सतगुरु जी की समझा करते हैं सरपण करिए राम कली महला पंजवा संग राम रंग केल आके जम क्यों मेल संत संग राम रंग केल पन्ने पातशाह संतन सिद्धु अर्जन देव जी महाराज आपां प्रमाण करते हैं कि सत संगत अंदर ये पुरानी रब के बंदे एक सत संगत के अंदर तो अपने स्वामी नाल प्रेम नाल भाव व्यक्ति जोर व्यक्ति को अकागर कर उसके चरणों का ध्यान कर तो अपने तन से मन की बेटी की हाजरी सारी दरबार के सौंपे जिन्हें तीन पन घड़िया सुभागियां नसीब हुई हो सकता तेनों इस कुछ पन घड़िया के बेच ही तेरा जीवन सफला हो सके तेरा आना जाना इस दुनिया से सफल हो सके सतगुरां के चरणों के नाल मन जोड़ना तेनों सत संगत अंदर बैठने का सुभाग बख्शिश होगा पर प्रेम प्यार इसे लाभ प्राप्त करना संत के संग राम रंग केल आगे जन स्यों होएगा मेल फिर वाहगुरु कहते गुरु साहब जी प्रमाण कर रहे हैं सत संगत तेनों ये लाभा प्राप्त होगा फल प्राप्त होगा प्राणी आगे जन तो होगा मेल अगे तो तेरा मेल मौत के दूतों नाल नहीं होगा जिड़े जुड़िया को फड़के खिंच के ढूके लेके जाते हैं अंत समय तेरा मेल उन्होंने नहीं होगा तेरा मेल तेरे गुरु साहब के नाम होगा अह बहुत कया विनाश बहुत हुई सगली नाश हमारे कहते जिस तरह तेरी जिड़ी हंकारी माता जिड़ा तेनों मैं रोग लगिया हो रहा है जिड़े हंकारी माता मारे कहते उन्होंने नो भाई जिम तुम कितने ये लाके बन नथे बन तो कमेगा मारे कहते इस तरह तेरी फिर वो जिड़ी तेरी माता उनका नाम हो जूगा खुदी का ऐसा दुख का भया नाश गुरु तेरा नाश कर दिया कि सतगुरु का नाम के ऐसी वही ताकत है बहुत होई सदली नाश अपनी सारी छोटी समझ तो खलासी पा करता है जे वाहिगुरु के नाम के नाल चरणा के नाल सत संगत के हाजरी भर लवे तां
वो भी आ जीवों अपनी मन लगती को अब काम कर सकते बहुत सारे ख्याल छाटते नेत्र बंद करके दुनियावी गलना सौन वास्ते कान बंद करके सिर्फ ते सिर्फ केवल तेनू बाणी की सुने इतने बैठे बाणी के बाणी की विचार की गुरु साहिब प्रमाण करते लाहा कट के अंदर पा के बैठे जाए कि तेरा इस दुर्मत का नाश हो सकता है तेनू गुरु सजना के समर्थ बख्शिश हो सकती है जिसनों एक सत्संग के बैठ के इस तरह जतन कर सकेगा था राम राम गुण गाए पंडित कर्म कांड संपादना करके पुत्र से भीतर जाहे पंडित राम नाम गुण गाए पंडित संतन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीदा के सरदार रहमता के जलू तो पलू सागर अपनी रचना के नाल प्रवान करते ने आपा समझा करते ने राम नाम गुण गाय पंडित तो स्वामी के नाम की महिमा करण गायन कर पंडित पंडित ने भी समझा किया है तो उस स्वामी का सिमरन कर उसकी महिमा का उसकी सिफत कर उसकी सलाह कर कि तेरा की कर्म कांड संकार न काजे कुसुम स्थिति कर जाति पंडित धार्मिक रस्मा रिवाज अच्छे तेरी सब हैंकरता किसी काम नहीं आने हमारे कहते जे तुम ही पंडित बन के बैठा है ना तुम भी यही काम करना है तुम भी यही सेवा करनी है तुम भी यही गुरु की मत लेनी है धार्मिक के रस्मों रिवाज मुताबिक हमारे कहते तेरी सब हैंकरता किसी काम नहीं आने जिसू अपने धर्मी बढ़िया जाएगा मेरा धर्म उच्चा फलाने का धर्म छोटा पिछे अपना इतिहास सुनते हैं कि पंडित ने बड़ा विस्तरा किया जिमें धन धन श्री गुरु रविदास भक्त जी के नाम इस करके पंचों भी समझौना किया गुरु साहब ने रीति रिवाज से हैंकरता बोली भाषा की मैं नहीं छे पाई पंडता केवल हरी गुणगा ही तो अपने पैर को खुशी जानेगा क्योंकि अपने पैर भाव अंत समय तुम्हें तां खुशी खुशी नाल जा सकता है जे तुम्हें इस गुरु साहिब की मर्यादा के अनुसार गुरु साहिब के पाए हुए पूर्णियां के अनुसार स्वामी मालिक की बख्शी हुई दात निम्रता के नाल वरत के आम संगतों के नाल वर्ताव करेगा जिथों उच्ची जाति के बैंक भावों के लिए फसया गया कि तेनों भी कोई लाभ नहीं होना जी अंत समा खुशी का रहना है कि तू भी ये सारी अपनी मैं भी एंकरता छना कर हर का जत नित दिया लाभ पूर्ण भय मनोरथ हरका जस नस लिया ला मैं स्वामी की सिर्फ सलाह की दौलत का
नफा कटिया गुरु सब कहते नफा कटिया क्यों नफा कटी का है स्वामी भी दवा पता जिमें महाराज कहते असी कटिया भाई किमें पूर्ण करे मनोरथ साहब उसका जब ऐन करना द्वारा मेरिया सारिया गुरु साहब कहते कवैशा पूरिया हो गई भाव मन लो शांति मिल गई दुखों का नाश हो गया जन्म जन्मांतरा जेड़े रोग लगे थे पिछोड़े थे बजोड़ थे गुरु साहब के नाल मेल हो गया कि मन को शांति होगी कि सारा आपे ही मन दिया कवेशा पूरिया हो गई ने नाल ही सब लोग समझौना करते ने दुख नाठा सुख घर में है पाया संत प्रसाद कमल बिगताया दूसरा कहते दुख नाठा सुख घर में है पाया मेरे सुखड़े सारे कहते हम तो भाई दूरता हो गई मेरे शरीर तो पीछे हट गई जी खुशी थी वो मेरे ग्रह भाव मन के अंदर प्रवेश करेगी गुरु साहब ने ऐसी कृपा करती कि सतसंग के लाभा संत प्रसाद कमल आत्मा की दया द्वारा मेरा दिल कंबल छिड़ गया हमारे हम खुश खुश रहता जी चिंता थी वो सारे दूर हो गई कृपा की हुई है और काम पर प्रभावी होगी कोई किमें सतसंग सतसंग का लाभा क्यों फिर प्राप्त होंदा जन पाया सजन हुए सगल लदान नाम रतन जन पाया देखे जिसनों नाम ने हीरे की दात प्रदान हुई है जिस नाम दे जो नाम प्राप्त हो जाता हमारे कहते होर की चाहिए नाम ही तो दुनिया से मिलना मुश्किल है नाम की खातर पता नहीं राज्य महाराज साधु संत देवी देवते किन्ने सोचते रहे नाम की खातर नाम ही मिलना मुश्किल है हमारे कहते जो नाम ही मिल गया घाटा की रह गया नाम रतन जन पाया दान तजन हो सकल नदान पर कहते वो इंसान सारे खजाने हासिल कर लेता है जिन्हों नाम की दात मिल जाती है नाम की दात भी प्राप्त करनी औखी है इसे सत्संग जी भाव करना साढ़े लोग सानू कह लग जाते हैं कि कोई अमृत शक लगा कि मजाक भी करते हैं हम अमृत शक लिया हूं की हो गया नहीं अकाल पुरख का धर्म उन्हें मस्तक के लिखा हुआ जिन्होंने नाम दिया दातां प्राप्त हुई हैं उन्होंने जिंदगी की मौत उन्होंने जिंदगी का आनंद जानते थे उन्होंने पता चल सकती नाम लैन वाले जानते उन्होंने अकाल पुरख पता जिंदगी का आनंद ही कुछ वक्रा है जेदा नहीं अमृत छकता नहीं गुरु वाला बनता उनकी अपनी सोच वक्री गल है पर जिंदा बनना असी ना मनता चंगा क्या हो सकता अभी किसी पढ़ छी असि पाप ना पीएंगे इस करके गुरु साहब जी समझौना करते ने भाई नाम की दात जब मिल जाती है तिस जन हो सकल वो इंसान फिर सारे खजाने
प्राप्त कर लेता है सब लोक आया पूरा पाई फिर फिर मांगन कहे जाई सब लोक आया मन पूरा पाए पूर्ण वस्तु प्राप्त करके एहो जिहा पुरुष संतुष्ट हो जाता उदा मन शांत हो जाता संतोख पालन कर सबर पालन कर जिमें आप औलाद के पढ़ते होंगे खन्ने खन्ने रोटी के विचारा दिता किमें संतोख दिता उदा मन महाराज ने किमें सबर दिता कहते एक प्रशासन मिल गया तब सतगुरों का शुकराना किया महाराज तेरे भाने अंदर दिखाड़े वकीत हुए रात प्रशासन छकिया तेरा कोटन को धन्यवाद शुकराना एक प्रशासन को पता करता ता ही महाराज तेरा शुकराना फते जो भी पता करता सामी शाकी महाराज तेरा शुक्रिया तेरा लख लख शुक्रिया जालम कहते इना सबर हले भी खुश ने यही अपने मालक की हले भी कहते वाहगुरु प्रशादा पेट भर के छकिया तेरा लख लख शुक्रिया एक एक गुरती के नाम किमें पेट भर जाता पर जोड़ा अकाल पुरख है उस सबर से संतोख बख्शिश करता सातवी सत जन होई सतमदा संतोख आया मन पूरा पाए फिर संतोख मिल जाता सबर मिल जाता फिर जब संतोख से सबर मिल गया फिर मन संतुष्ट हो जाता है फिर फिर मांगन का ही जाए फिर वो मुरमुर के कार्य नहीं मंगन जाएगा लोड़ नहीं पड़ेगी जो संतोख से सबर ही प्राप्त कर लिया फिर मंगल जाने की जोर नहीं पैंती महाराज की केस पानी दे विचार दे सब संघ दे लाही प्राप्त होंगे हर की कथा सुन तो जिस प्राण वापस पाई गत माता हर की कथा संत पवित्र वाहिगुरु की वार्ता सुन के बंदा पवित्र हो जाता हूँ वाहिगुरु की बाणी मिलती है भाई आप समा कट नहीं ना सकते अपने को समा है वो ही बड़े भागे जो समा कट देंगे महाराज जी समझा करते हैं हर की कथा संत पवित्र शरीर पवित्र होता है मन पवित्र होता है इन्ने पल घड़िया में मन के तन पवित्र होया कई जन्मों के लाभा कर जाना साहब जी कई जन्मों के लाभा मिलना है महाराज ने एड्डी कृपा की हुई है सतसंग हर की कथा सुन पवित्र जिनका भगत पाई गत मत महाराज कहते जीव नाल स्वामी के सहित सलाह का चारना करने वाला अनुसार मुक्ति के रस्ते को भी पा लेता है उसका आना जाना भी कटिया जाता है जिसे इस जीव के नाम सुनिया जाता करके गुरु साहब के सब संगत इन्ने कार्य सानू समझा करते सुप्रभात जितने बताई नानक प्रेम कृपन भाई सुप्रभान जितने बताई केवल ओही कबूल महाराज कहता है जो हरि को अपने चित विच टकाउंदा केवल ओही सुप्रभान महाराज ओही सुप्रभान हुंदा जिहड़ा ओहदे नाम नूं अपने हिरदे के अंदर कबूल आए टकाउंदा कबूलना हुंदा तेरा हुकम सत करके मन्निया जिहड़ा हुकम सत करके मनदे आ उहनूं कबूलना भी कहिंदे वी तेरा हुकम असीं कबूल लिया तेरी गल कही होई असीं कबूल कर लिया तेरा दर्शन महाराज सच्चे पातशाह जी
ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਨ ਕਰੀ ਨਾਨਕ ਭੇਜਣ ਪੁੱਤਮ ਭਾਈ ਪਰਮ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵੀਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦਾ ਲਾਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਪੁਰਾਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚੱਲ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਗਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਉਦਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।